स्टूडेंट्स होप यू विल बी फाइन। हमने एसडीएलसी वी मॉडल के बारे में स्टडी किया। हमने देखा कि वहाँ पर जो हमारा वी मॉडल है वो हमारा वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल है। स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ वी मॉडल्स। कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जिनको वी मॉडल में यूज़ किया गया। सबसे पहली बात कि जो हमारा मॉडल है वो लास्ट टू स्मॉल स्केल डेवलपमेंट है। इन वी मॉडल टेस्टिंग इज डन इन ए हायरार्कियल पर्सपेक्टिव, मींस यहाँ पर लेवल्स के थ्रू टेस्टिंग की जाती है। पहले हमारी इंटीग्रेशन टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ये सारी की सारी टेस्टिंग परफॉर्म होती है। देखिए एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं रिक्वायरमेंट Identified by the project team। यहाँ पे जो requirement होती है वो आपकी project team identify करती है। ये step perform करने के बाद में high level design किया create किया जाता है। high level design create करने के बाद में उसका एक detailed design create होता है। Students जैसा कि हमें पता है each of these phases completed the requirement। They are becoming more and more refined and detailed। जैसे जैसे phases complete होते जाएंगे वैसे वैसे हमारा project refine होता जाएगा और उसका एक detailed estimation हमें पता चलता रहेगा कि इसकी क्या progress हुई है, plus कौन कौन से modules हमें यहाँ पर develop करने हैं, customer की क्या requirement है, उसका क्या objective है, etc. Students इसके बाद सेकंड होता है डाटा और प्रोसेस इंटीग्रिटी। देखिए ये जो हमारा प्रिंसिपल है हमें ये बताता है कि अगर हमारा डिज़ाइन सक्सेसफुल है किसी भी प्रोजेक्ट का, हम कह सकते हैं दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट द सक्सेसफुल डिज़ाइन ऑफ एनी प्रोजेक्ट। अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल डिज़ाइन क्रिएट करना चाहते हैं तो उस प्रोजेक्ट के लिए हमें एक चीज़ देखनी पड़ती है कि इनकॉर्पोरेशन क्या है, कपलिंग किस तरीके की हो रही है और कोहेशन किस तरीके का हो रहा है डाटा में और प्रोसेसेस में। प्रोसेस एलिमेंट्स मस्ट बी आइडेंटिफाइड एट ईच एंड एवरी रिक्वायरमेंट। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं किसी भी प्रोसेस के उन सबको ईच और एवरी स्टेप पे आइडेंटिफाई किया जाता है। मींस कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट हैं उन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सारे के सारे एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, फाइंड आउट किया जाएगा कि प्रॉपरली इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के लिए फॉर एग्जांपल डेटा वैल्यू सुटेबल हैं या नहीं हैं। स्टूडेंट्स जिसका थर्ड प्रिंसिपल है वो है स्केलेबिलिटी। देखिए स्केलेबिलिटी का बेसिकली मतलब होता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो कितना स्केलेबल है, कितना फ्लेक्सिबल है। यूज़र रिक्वायरमेंट को अगर चेंज कर रहा है तो वो रिक्वायरमेंट हम उस सॉफ्टवेयर में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट द वी मॉडल कॉन्सेप्ट हैज़ द फ्लेक्सिबिलिटी टू एकोमोडेट एनी आईटी प्रोजेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, कॉम्प्लेक्सिटी और ड्यूरेशन। मीन्स कैसा भी प्रोजेक्ट आ जाए वी मॉडल की हेल्प से हम उसको डेवलप कर सकते हैं। लार्ज प्रोजेक्ट हो, स्मॉल प्रोजेक्ट हो, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई हो, उसका ड्यूरेशन टाइम कम हो या ज़्यादा हो, वो सारे के सारे पॉइंट्स को, सारे के सारे मॉडिफिकेशंस को हम इजीली हैंडल कर सकते हैं वी मॉडल की हेल्प से। मींस वी मॉडल क्या है, आपका स्केलेबल मॉडल है, एक फ्लेक्सिबल मॉडल है। स्टूडेंट्स इसके बाद एक होता है क्रॉस रेफरेंसिंग। देखिए क्रॉस रेफरेंसिंग का बेसिकली मतलब ये है कि अगर हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें कोई कोरिलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन रिक्वायरमेंट एंड करस्पॉन्डिंग टेस्टिंग एक्टिविटीज नोन एज क्रॉस रेफरेंसिंग। मींस यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स में और टेस्टिंग एक्टिविटीज़ के बीच में प्रॉपरली क्रॉस रेफरेंसिंग है। फॉर एग्जाम्पल देखिए रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज है तो उसकी क्रॉस रेफरेंसिंग असेप्टेंस टेस्टिंग से है। सिस्टम डिज़ाइन फेज़ है तो उसकी सिस्टम टेस्टिंग से क्रॉस रेफरेंसिंग है।
आर्किटेक्चर डिज़ाइन है तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं, मॉड्यूल डिज़ाइन है तो यहाँ पे हम यूनिट टेस्टिंग कर रहे हैं, और लास्ट में क्या होता है कोडिंग पे आगे ये सारे के सारे स्टेप्स आपके क्या हो जाते हैं अटैच हो जाते हैं। मींस यहाँ पे पैरेलली सारी की सारी क्रॉस रेफरेंसिंग हो रही है। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप या प्रिंसिपल है वो है टेंजिबल डॉक्यूमेंटेशन। देखिए ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि जो भी हम प्रोजेक्ट डेवलप करें हमें वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। डॉक्यूमेंटेशन इज़ रिक्वायर्ड एंड अप्लाइड बाय बोथ द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट टीम एंड द सपोर्ट टीम। देखिए जो भी आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होता है, SRS प्रिपेयर किया जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद में इसकी रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट टीम के साथ साथ में सपोर्ट टीम को भी होती है। डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली इज यूज टू मेंटेन द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को मेंटेन करने के लिए, उसको समझने के लिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेवलपमेंट टीम है जिसने लॉगिन मॉड्यूल को क्रिएट किया। लॉगिन मॉड्यूल को क्रिएट करने के बाद में डेवलपमेंट टीम को किसी दूसरे प्रोजेक्ट पर असाइन कर दिया गया। अगर लॉगिन मॉड्यूल का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा हमारे पास में, तो सपोज़ हमारी मेंटेनेंस टीम उस पर वर्क करने आएगी तो उसको ये नहीं पता होगा कि ये जो हमारा लॉगिन मॉड्यूल है इसकी क्या डिपेंडेंसीज हैं, इसको इसकी क्या फंक्शनैलिटी है। तो इस सब को समझने के लिए हमें डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। हम ये कह सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन जो है वो एप्लीकेशन को मेंटेन करने के लिए होता है वंस इट इज़ अवेलेबल इन ए प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। जैसे ही वो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में क्या होगा, अवेलेबल होगा। स्टूडेंट्स व्हाई प्रिफर्ड, देखिए क्या क्या हमें वी मॉडल को क्यों प्रिफर करना चाहिए। देखिए सबसे पहली आपको बात बताई थी मैंने कि स्केलेबिलिटी, जो हमारा मॉडल है वी मॉडल जो है वो स्केलेबल है, वो स्केलेबिलिटी प्रिंसिपल को फॉलो करता है। किसी भी साइज़ का प्रोजेक्ट हो, लार्ज प्रोजेक्ट हो, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई हो, ड्यूरेशन ज़्यादा हो या स्मॉल हो, इसके थ्रू हम सभी को हैंडल कर सकते हैं। इट इज़ ईजी टू मैनेज ड्यू टू द रिजिडिटी ऑफ द मॉडल। सेकेंड, यहाँ पे प्रोएक्टिव डिफेक्ट ट्रैकिंग है। देखिए रिक्वायरमेंट एनालिसिस के साथ में आप एक्सेप्टेंस टेस्टिंग को कोरिलेट कर रहे हैं, क्रॉस रेफरेंसिंग है। मींस यहाँ पर आप डिफेक्ट्स को, आप बग्स को, आप एरर्स को जल्दी फाइंड कर सकते हैं अर्ली स्टेजेस पे। स्टूडेंट्स व्हेन टू यूज, अगर हम वी मॉडल की बात करें, रिक्वायरमेंट आर क्लियरली डिफाइंड एंड फिक्स्ड। वी मॉडल में जो भी रिक्वायरमेंट हैं वो क्लियरली डिफाइन हैं और फिक्स हैं। वी मॉडल इज़ यूज व्हेन एम्पल टेक्निकल रिसोर्सेज आर अवेलेबल विद टेक्निकल एक्सपर्टाइज। देखिए वी मॉडल का आप यूज़ ऐसी जगह पर करेंगे जहाँ पर आपके पास में टेक्निकल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ पर टेक्निकल एक्सपर्टाइज बहुत ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि हम यहाँ पर सारी चीज़ों को पैरेलली टेस्ट करेंगे। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होगी, इंटीग्रेशन टेस्टिंग होगी, सिस्टम डिज़ाइन है तो हम सिस्टम टेस्टिंग करेंगे, इंटीग्रेशन आर्किटेक्चर डिज़ाइन है तो वहाँ पे इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो जाएगी, मॉड्यूल डिज़ाइन है तो वहाँ यूनिट टेस्टिंग हो जाएगी। मीन्स यहाँ पे सारी की सारी क्रॉस रेफरेंसिंग होती रहती है। स्टूडेंट्स इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला एडवांटेज, दिस इज हाईली डिसिप्लिन्ड मॉडल एंड फेजेज आर कम्प्लीटेड वन एट ए टाइम। ये आपका एक हाईली डिसिप्लिन्ड मॉडल है और यहाँ पे जितने भी फेजेस कंप्लीट होते हैं वो सारे के सारे फेजेस वन बाय वन कंप्लीट होते हैं। स्टूडेंट्स वी मॉडल इज़ यूज्ड फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स वेयर प्रोजेक्ट्स रिक्वायरमेंट्स आर क्लियर। देखिए वी मॉडल का यूज़ आप ऐसी जगह पर भी कर सकते हैं जहाँ पर हमारे पास में एक स्मॉल प्रोजेक्ट है और जहाँ पर हमें प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या हैं बिल्कुल क्लियर हैं, हमें समझ में आ रहा है कि इसका बेसिकली क्या ऑब्जेक्टिव है इस प्रोजेक्ट का। स्टूडेंट्स थर्ड, हम ये कह सकते हैं कि एक सिंपल है, एक हमारा सिंपल और इजी मेथड है जिसके थ्रू हम प्रोजेक्ट को डेवलप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम इसके नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें तो जो हमारा ये जो मॉडल है ये इसका जो मेन फोकस है वो वेरिफिकेशन पे है और वैलिडेशन एक्टिविटीज़ पर है। यहाँ पर वेरिफिकेशन और वैलिडेशन
अर्ली स्टेजेस में ही होता है, जिससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो है उसको एनहांस किया जाता है ताकि हम एरर फ्री प्रोजेक्ट को डेवलप कर सकें और एक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को डिलीवर किया जा सके। इट मींस यहाँ पर जो मेन फोकस है वो हमारा वेरिफिकेशन और वैलिडेशन पर होता है। स्टूडेंट्स, इट इनेबल्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टू ट्रैक प्रोग्रेस एक्यूरेटली। ये इनेबल करता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को, हम प्रोजेक्ट की जो प्रोग्रेस है, कितने मॉड्यूल्स प्रिपेयर हो चुके, वो एक्यूरेटली डेवलप हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये सारी की सारी बातें हम यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे एक हाई रिस्क होता है और अनसर्टेनिटी होती है। इट इज़ नॉट ए गुड फॉर कॉम्प्लेक्स एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स। हम इसकी बात करें तो जो हमारा वी मॉडल है वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए एक अच्छा मॉडल नहीं है, प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स के लिए एक अच्छा मॉडल नहीं है। देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बेसिकली हमारे वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर स्टैंड अलोन एप्लीकेशन हमें डेवलप करने होंगे वहाँ पर तो वी मॉडल हमारा फुली एप्लीकेबल है, बट अगर हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं जिसमें कि हमें वेब डेवलपमेंट है, कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पे हमें इंटरनेट प्रोग्रामिंग्स का यूज़ करना होगा तो उसके लिए हमारा क्या है, एप्लीकेबल नहीं है, वेरीफेबल नहीं है। स्टूडेंट्स, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर प्रोजेक्ट्स वेयर रिक्वायरमेंट्स आर नॉट क्लियर एंड कंटेन हाई रिस्क ऑफ चेंजिंग। मीन्स ये ऐसी जगह पर एप्लीकेबल नहीं है जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं है और जहाँ पे एक हाई रिस्क होता है, रिक्वायरमेंट्स क्या है लगातार चेंज होती रहती हैं। स्टूडेंट्स, दिस मॉडल डज नॉट सपोर्ट इटरेशन ऑफ फेजेस। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये बिल्कुल क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल की तरह है कि जहाँ पर जब एक स्टेप कंप्लीट होगा तब आप नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। मींस ये जो हमारा मॉडल है ये इटरेशन फेजेस को सपोर्ट नहीं करता है। स्टूडेंट्स, हम ये भी कह सकते हैं कि कॉन्कुरेंट इवेंट्स को, कॉन्कुरेंट एक्टिविटीज़ को हमारा ये मॉडल सपोर्ट नहीं करता है। मींस जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज हमें मिलता है वो है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, और इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग प्रोजेक्ट की प्रॉपर क्लियर अंडरस्टैंडिंग ना हो वहाँ पे हम इस मॉडल को अप्लाई नहीं करेंगे। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। थैंक यू वेरी